दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। कल मैंने अपना वीडियो आधा छोड़ा हुआ था, अब उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपसे प्रसाद लेके आई हूँ, लड्डू लेके आई हूँ, थोड़ा उसके बारे में आपको बताऊँगी और तो प्रसाद क्या लेके आई हूँ, तो आप देखिए। और मेरे वीडियो को अच्छा लगे थोड़ा सा देख सकते, प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा। चल चलते हैं, अपना वीडियो दिखाती हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना तिरुपति बालाजी का, मस्त मौसम, बहुत अच्छा मौसम। जैसे शिलोंग में कल यहाँ का टेम्परेचर 45 था, आज यहाँ 24 में पहुँच गया। हम लोग आए ना बालाजी के दर्शन करने, तिरुपति बालाजी की जय हो। और इतना अच्छा है ना, ये होटल के बाहर है, ये होटल है हमारा, इसके बाहर बहुत सुंदर सुंदर। देखो सब तो बढ़िया लानी फूलियाँ, ये पार्क, ये पेड़ के एक चीज़ होता सब तो सोपीस कितने अच्छे बना रखे हैं पेड़ों के। देखो बच्चों के पार्क भी है सामने, बच्चों का पार्क भी बहुत अच्छा जगह है। घर तिरुपति बालाजी मार्केट में घूम रहे हम लोग अभी, यहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया था, ब्रेकफास्ट किया था, पूरा बालक बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इसलिए घूमने का मन। देखो कन्नड़ में लिखा हुआ है, यहाँ का चीनी तो इतना सुंदर है, क्योंकि यहाँ का चीनी तो इतना सुंदर है। क्या है ये? वो जो इतना किशमिश का है यहाँ का। देखो यहाँ सब कन्नड़ में लिखा हुआ है, देखो वहाँ का था जो हमारे तेलुगु में है, एक तेलुगु। हम लोग का टाइम 9:30 बजे से है, अभी 15 मिनट इससे पहले हम दूसरे मंदिर में जाते हैं। देखो सब भगवान जी को बहुत टिकट मिल गया था हमको 9:30 का, बस अभी टाइम होने वाला है, हम लोग जाएंगे। अलग भाषा में लिखा है, ये तेलुगु में, ये कन्नड़ में, ये इंग्लिश में, और सबसे पहले हिंदी में पढ़ सकते हैं। अरे काफ़ी बस आई है, बहुत भीड़, लंबी लाइन, लेकिन हमारा टिकट था इसलिए हमको आज ही दिल्ली को जाना है, तो फटाफट हमारा हो गया दर्शन, एक घंटे में हमारे पूरे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए तिरुपति बालाजी के। मैं आपको बालाजी का प्रसाद दिखा रही हूँ, देखो वहाँ इतने बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं, ये खासियत है, भोग इतना चढ़ता है वहाँ। और ये लड्डू की बहुत विशेषताएँ हैं, इसका मैं विशेषताएँ आपको बताऊँगी। इससे भी बड़े बड़े किलो किलो के हिसाब से वहाँ लड्डू बनते हैं, और इनका अलग अलग रेट होता है, और ये भोग में बनता है। ये बालाजी का प्रसाद है लड्डू,
हेलो दोस्तों, जहाँ ये प्रसाद बनाया जाता है उसकी विशेषताएँ बताती हूँ। वहाँ हम लोग निगुस पाते हैं क्योंकि वहीं के जो कारीगर होते हैं वही ये प्रसाद बनाएंगे और वो अलग जगह है बिल्कुल। एक दिन में 5 से 6 लाख लड्डू वहाँ वो लोग बनाते हैं और बहुत सफाई से बनाते हैं वो लोग। इसमें काजू बादाम बहुत सारे मेवा डाले हुए हैं। शुद्ध घी में बना हुआ है ये और इसकी कीमत अलग अलग है, 100, 150, 1000, 2000 अलग अलग इसका रेट होता है। ये लड्डू की बहुत विशेषताएँ हैं और इसको लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। ये प्रसाद ज़रूर आना चाहिए वहाँ से। मैं ये सब तिरुपति बालाजी के मंदिर से लेके आई। ये प्रसाद है, ये इसमें हल्दी, रौली, चंदन, केसर है और ये वहाँ का एक चंदन लेके आई हूँ बालाजी का। और ये एक सैंडल, ये चंदन, इनका दाम भी इन्होंने बहुत लगा रखा है मालूम नहीं क्यों। और एक चंदन लाई में लाल चंदन, ये तो बहुत महंगा है, ये वही मिलता है और बहुत अच्छी खुशबू है। ये 1900 में पड़ा, हमको मालूम नहीं इतने का है क्या है मालूम नहीं, 1900 में उन्होंने हमको इतना टुकड़ा दिया है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत खुशबू है ये चंदन का, लाल चंदन है ये। और एक ये दिया हम लोगों ने, ये हमको पड़ा 2500 का। ये पूरा गोल्ड पैटर्न में है और ये ख़राब तो नहीं होगा बोले थे मालूम नहीं, ये तो हमारे बहुत जल्दीबाजी हो गया था ना, इसलिए एक हमने बालाजी की फोटो ली है अपने लिए। और हम लोग वहाँ जाएं और मैं अपने साड़ी लेना ही हो नहीं सकता है। ये साड़ी इतनी छोटी है, ये रुमाल की जैसी है, ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। दाम है इसका साड़ी का भी, लेकिन बहुत अच्छी है ये। वहाँ से मैं एक साड़ी लेके आई हूँ अपने लिए, ये सामान मैं लेके आई तिरुपति बालाजी से, ये पूरा सामान।